अच्छा पिछला हिस्सा कोई पकड़ बैठे देर नहीं हिलाऊंगा था स्वाभाविक रूप से देखते जानवर या इसे उसको बानी छोड़ो देखो पीछे अगर मक्खी लग रही है तो उसको बैठ जाओ बाहर कपड़ा एक पड़ा होगा कपड़ा उसके शरीर में ना फट फटे लगे जानवर चौंके बाहर से कपड़ा उठा दो अरे सर गंदगी संदगी लगी हमें देखना क्या केवल मक्खी न बैठे पूजा पाठ के लोग बात करते हैं बहुत अंधा समाज ये अरे यही पूजा है मंदिर में बैठ के घंटी बजाने से और प्रसाद बंटवाने से और भंडारा करना ये सब अंधा समाज अंधा बिल्कुल अंधा नियम सेवा ही धर्म है जिसमें गाय सेवा का बड़ा महत्व बताया गया है जानते सब हैं बढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन करते नहीं है हमने नहीं किसी साधु संत को बड़े उनको देखा हमने सेवा करते हुए किसी विद्वान को नहीं देखा केवल बकबकाना टीका चंदन लगाइए और ग्रह नक्षत्र और राहु शनि ठीक हो जाएगा तुम आगे जाओ यहाँ पर आगे आ जाओ यहाँ दोनों पैर जो है पकड़ लो दोनों पैर का रस्सी पकड़ के बैठो वही रस्सी के पास पकड़ लो नहीं दोनों पैर पकड़ लो ऊपर का पैर पकड़ो हाँ हाँ आगे जहाँ बंधा है यहाँ पकड़ लो कस के पकड़े रहो कस के ताकत लगा के पकड़े रहो बस जैसे हरकत में आवे ना तो नीचे अपना दावे रहे
ना, बस मक्खी के चक्कर छोड़ो, खाली पैर पकड़े रहो, जो कहा जाए वही करो। मक्खी के चक्कर में रहोगे उसने एक बार फिर ऐसे कर देगी। दोनों हाथ रखो उसी के ऊपर, जैसे हरकत में आवे घर के दाब दे, जैसे हमको है हम पकड़े हैं, तो वो अपनी हरकत में आएंगे तो हम अपनी ताकत लगाएंगे। आधा है करीब करीब, कबीर साहब ने गलत थोड़े कहा था, यह जग अंधा अंधा है समाज, सेवा ही पूजा है, सेवा ही धर्म है। मुकदमेबाजी भी कर रहे हैं, बेईमानी, सगा खून खून का बेईमानी कर रहा है इस समय। सबसे बड़ा अगर शत्रु है उग्रवादियों से, खतरा नहीं है देश को, देश को खतरा है अपने अंदर। जो आपके पड़ोसी हैं वो एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, वो तो चाहते हैं कि मर जाए, हमको सब मिल जाए और टीका चंदा लगाए, भगवान के कैलेंडर टांगे हैं, आज ये व्रत है, आज ये पूजा है, कल वो पाठ है, और एक से एक उल्लू के पट्टे उनके यहाँ आते हैं समझाने के लिए, पंडित जी अमावस्या है और मौनी अमावस्या है और बुड़की लगाइए और डुबकी लगाइए है। अरे कोई उनसे नहीं पूछता कि महाराज आप कहने डुबकी लगा के आपने अपना कल्याण किया हो, आप कह लिए हमारे दरबारे भीख, अरे भीख है, दान दक्षिणा लेना भीख है, वो कोई खुशी की बात थोड़े, वो भीख का एक प्रारूप है, दान लेना दक्षिणा लेना। हाँ कोई चीज सम्मान अगर भेंट मिलता है, सम्मान में सब तो वो एक उसके सम्मान का बात ही अलग है, लेकिन दान दक्षिणा वो भीख है एक प्रकार का। कोई नहीं पूछता कि महाराज आप कहने ही मौनी अमावस्या में नहा करके और 16 सोमवार का व्रत रख करके और शंकर जी को आपने हाथ में लाया हो, कुछ नहीं, सब अंधविश्वास है। पूजा का सब जमाना गया, आज पूजा पाठ का समय है ही नहीं, केवल एक समय है सेवा, ईमानदारी बस, और ईमानदारी हरकत ना में तो लगा जो ताकत देखे। अब हमने देखा ये हिल डोल रही तो हमने और भी ताकत लगाया, हाँ, इसलिए जब भी हरकत ना आवे तो उसको पकड़े रहो। जी 24 घंटे में चाहे 5 मिनट सेवा का काम करो, लेकिन आजकल के माता पिता, ओ हमारे बच्चे, अरे बाबा केवल 24 घंटे पढ़ेगा ही, वो फिर टीवी का है देखता है 2 घंटे 3 घंटे, दो तो 3-3 घंटे बच्चे टीवी देखेंगे, वो नहीं उनको दिखता, लेकिन अगर बच्चा कोई सेवा का काम में लग गया तो उनके माता पिता बड़ी जल्दी चिल्लाएंगे, नहीं कि यही इसी सेवा से ही उनका, कोई आदमी हो किसी की तकदीर खराब हो ऐसे ही काम में हाथ लगाओ, तकदीर में पॉलिश हो जाएगी, तकदीर में चमक पैदा होगी, माला अंगूठी और पूजा करने से आपकी भाग्य नहीं संवरेगा, वरना माला बेचने वाले ही अपना भाग्य संवार लें। माला वाले सारे माला पहन ले, जौहरी जितने नग हैं वो सब धारण कर ले, राहु केतु शनि सब उनके यहाँ ढोल बजीला बजावे जाकर के, सब अंधविश्वास है कि नहीं, किसी जमाने में रहा वो किरणें निकलती है। अरे सबसे बड़ा मेन चीज कर्म है, राहु केतु जिनको हम लोग शनि को कहेंगे खराब, वो खराब छोड़े, खराब कोई नहीं, वो तो हम लोगों को नसीहत देने के लिए आते हैं कि बेटा संभल जाओ, बेटा संभल जाओ, पाप मत कमाओ। अब आजकल फैशन बन चुका है, एक परंपरा बन गई है, पाप खूब करो पूजा खूब करो, पाप से दोनों है, पाप भी काम, किसी का दिल दुखाना ही पाप है। किसी व्यक्ति को हमने यह महसूस करा दिया कि तुम छोटी जात के हो, हम बड़ी जात के हैं, तो हमसे पाप हो गया, हमने उसका दिल भाई कहीं ना कहीं तो महसूस करेगा। सब आदमी बराबर है, हर आदमी बराबर बन के रहो, युग बदल गया, गुड़ खाते हैं पसेरी भर और करते हैं गुलगुले से परहेज, होटल में खा रहे हैं वहां चाय पी रहे हैं, सब जगह रिश्वत ले रहे हैं, कितना कितना गंदा धन है वो, कोई खुशी से दे बात अलग है, मन से इनाम पर बख्शीश पर दे दे, लेकिन नहीं, हर जगह रिश्वत, हर जगह उसके बाद पूजा भी कर रहे हैं,
या तो रिश्वतें ले लो, या तो पूजा कर लो, या किसी का दिल दुखा लो, किसी का हानि पहुंचा लो, या तो फिर पूजा कर लो। लेकिन मेरा अंधा समाज दोनों करता है, रावण या रावण की पूजा है। रावण रावण के जैसा पूजा करने वाला कौन होगा? लेकिन उसके विचार और कार्य कर्म गंदे थे, गंदा काम किया, गंदे विचार उसके मन में आए, उसका विनाश हो गया। इसीलिए हर आदमी को उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अभी मुश्किल से हम थोड़ा बहुत कुछ खा पी करके और तुरंत बंदर घोट के लिए निकल जाएंगे। ये तो भगवान, ये देखिए भगवान कैसी मजा, यही कंडीशन अगर कल होती परसों होती तब क्या होगा? हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत थी। कर्तव्य का पालन करो, बाकी करने वाला भगवान है। जैसे भगवान क्या, भगवान को हमारे कर्म का खाता देखता है, जैसे हमारे कर्म के खाते होंगे वैसे भगवान की लेखनी चलेगी। हर आदमी जानता है लेकिन ना अपने मन से काम करेगा, उल्टा काम। भगवान ने कहा है कुछ तो करेगा कुछ। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन्म ही पावा, जिसका मन निर्मल है, सच्चा है, कोमल है, वही मुझे पा सकता है। लेकिन ना निर्मल मन नहीं, मन में धरे हैं पत्थर और भगवान के कैलेंडर टांगे हैं, कोई ऐसा व्रत नहीं। कहीं हम निवर्ता बरते रही, हम कहा हाथ तक देवी मिली, कोई का देवी हाथ मिलाई। नवरात्र में व्रत रहना हो, मौसम के हिसाब से रह लो, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन कहो देवी की कृपा, देवी की कृपा चाहते हो, गाय की सेवा करो, गधे की सेवा करो। गधा तो देवी का वाहन है। नवरात्र भर हमने कना मंगाया, लोग खिलाया। एक ज्ञानलता गुप्ता हैं, इनर व्हील क्लब की मंडल अध्यक्ष हैं, वो बड़ी धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा। सुखू बाबू हैं आपके, बहुत बड़े आदमी हैं, यहाँ रायबरी के उद्योगपति हैं। अनिल बेकरी वाले खेमू जी हैं, खेमचंद, वो बिल्कुल देवतुल्य है, एक से एक देवता है। अधिकारी ने अगर आपको देख रहा है तो एडीएम एफआर महेंद्र कुमार जी, मैं उनको देवता का ही दर्जा देता हूँ। वो हमको पहचाने, अपने आप आए, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी ने बताया कि बाबा जी ने कोई बड़ा अच्छा वाटिका लगाई है और गधा भी बांधे हैं, गाय भी बांधे हैं, सेवा करते हैं, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। और एडीएम एफआर महेंद्र कुमार जी ने कई लोगों के सामने कहा कि हमने ऐसा आदमी तो देखा ही नहीं। इनका बड़प्पन, उनकी महानता है। स्वयं में बहुत निहायत ईमानदार अधिकारी, परोपकारी और विनम्र, वही उनकी क्वालिटी है। हमारा बस चले थे उनको, तो हम रायबरेज कभी जाने ही न दे। लेकिन मेरा अंधा कानून है, वो 5 साल हो गए, आप जाइए। क्यों जाइए? जनता का राज है ना, जनता से पूछो, रायबरी वालों से पूछो। अगर 80% लोग कह दें, 80% लोग कह देंगे नहीं साहब बहुत बढ़िया आदमी है, उनको वहीं छोड़ दो। किसी अधिकारी को अच्छा छोड़े भैया, किसी अधिकारी को अच्छा थोड़े लगता है। हो गया, हाँ, तुम लोगों ने इसमें सेवा किया है, इतना तुम्हारा पूर्ण खाते में जमा हो गया। और यही टीवी बैठ के देखती तो पूर्ण खाते में कुछ जमा ना होता। तो जब टीवी 2 घंटा देख सकती हो तो सेवा, महासेवा, महापूजा है ये। इससे बड़ी ना कोई गंगा स्नान है, ना कोई मंदिर है, इससे बड़ा कोई तीर्थ भ्रमण नहीं है। कल्याण में लिखा हुआ है, इसको चलता फिरता तीर्थ कहा गया। उठ जाओ। अच्छा भैया, इंजेक्शन एक लगना है ना? हाँ, वो इंजेक्शन का हुआ लेजा सिरिंज। अच्छा अच्छा सिरिंज नहीं रहा है के साथ? हां, सिरिंज नहीं है। अच्छा ये बताओ, निडल भी ना हुई? निडल है। तो काली पिचकारी चाहिए का? हां, तो अगर पुरानी पिचकारी रखी है लेकिन ठीक नहीं है। अरे वो हम लेता ही थे। अच्छा, तो सुनो, साइकिल हमारा की चला ले हो, साइकिल तो हमारा, साइकिल ले लो आप, जब आनी तब बता दे भाई, साइकिल ले लिए। देखिए उठते टाइम देखो, दवाई दिखाई हो तो सब चीज आ जाते, लेकिन चलो आ जाओ।